रविवार शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुप्रभात त्रिपाठी। आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति लगातार जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव, जिनको कल फीता काटने का मौका नहीं मिला, तो आज वो पहुंच गए गाजीपुर। गाजीपुर से लखनऊ तक अपनी रथ यात्रा के जरिए एक बार फिर से उनकी ओर से भरी गई है हुंकार, ये कहते हुए कि दरअसल समाजवादी एक्सप्रेसवे है ये और बीजेपी ने तो सिर्फ रंग और नाम बदलने का ही काम किया है। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी हर रंग को अपने साथ में लेकर चलती है, जबकि बीजेपी सिर्फ एक रंग वाली पार्टी है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमला करते हुए नजर आए। साथ ही ये दावा भी कर दिया कि अब की बार समाजवादी पार्टी का होगा 400 पार। कुल मिलाकर अखिलेश के दावे में कितना दम है, इस पर दंगल में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले उनके साथ आज तक की ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूर्वांचल की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि कल पूर्वांचल को सौगात मिली है एक्सप्रेसवे की। कल यहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और आज यहां पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और अखिलेश जी बताएंगे कि क्यों आज उनकी विजय रथ यात्रा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकल रही है। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये वो एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर आपने ट्वीट किया, इसको लेकर एक थीम सॉन्ग लाए और उसके बाद एक ट्वीट जिसमें आपने कहा कि फीता लखनऊ से आया, कैंची दिल्ली से आई, समाजवादी पार्टी का काम है और खींचतान इस पर जारी है। लेकिन खींचतान चाहे जितनी भी हो अखिलेश जी, ठप्पा तो इस पर बीजेपी का लग गया है। क्या ये विजय यात्रा में थोड़ी सी देरी नहीं हो गई? देखिए, ये जो हाईवे है जिस पे आज हम लोग चल रहे हैं, ये विजन समाजवादियों का था। और मुझे वो दिन याद है कि विधानसभा के सामने इसी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, जिसमें हमारी सभी कैबिनेट के मंत्री और उस समय जो बजट रखा गया था उसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए बजट रखा था, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है वो समाजवादी का है, क्योंकि इस सरकार ने काम नहीं किया अभी तक का। पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, रंग बदलने का नाम किया और नाम बदलने का काम किया, और आज के बाद तो हम भी रथ का नाम बदल देते हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा का समाजवादी परिवर्तन यात्रा कहेंगे और इसलिए कहेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अब वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। इस एक्सप्रेसवे में जो मापदंड थे, जो मानक थे, उस मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये आधा अधूरा उद्घाटन किया क्योंकि चुनाव आने वाला है, सर्विस लेन इसकी पूरी नहीं हुई है। ये कहते थे कि हमने सड़क के किनारे पानी ना निकले, पानी ना भर जाए जिससे धसे नहीं सड़क, हम इसके किनारे जियो सेल्स लगवाएंगे। कहां जियो सेल्स है, सड़क धस गई है। जो मीडियन है, जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक कहता है कि जो मीडियन है वो 12 मीटर कम से कम रखा जाए और 14 मीटर तक होना चाहिए। इसीलिए जो लैंड एक्विजिशन इसकी हुई थी वो ज्यादा लैंड एक्विजिशन हुई थी। मैं तो आपसे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये हाईवे कह रहे हैं उनका है तो मुझे बताएं कि यहाँ पर सबसे पहले बजट किसकी सरकार में दिया गया था। मुझे याद है कि 1600 करोड़ से ज्यादा। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि LOI नहीं मिला आपको। मैं ये कहता हूँ कि 1600 करोड़ से ज्यादा बजट समाजवादी सरकार ने रखा। लैंड एक्विजिशन की सबसे पहली जो रजिस्ट्री हम लोगों ने की वो समाजवादियों की थी। उसके बाद चलिए ये अपनी बात पूरी करेंगे, एक बार दिखा देते हैं कितनी जनता यहाँ पर स्वागत के लिए आई है अखिलेश यादव के लिए। इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है विजय यात्रा के लिए। वोटों में तब्दील हो पाता है ये? एक बात बताइए, वोटों में तब्दील हो पाता है ये? क्योंकि देखने में तो बहुत, कल भी बहुत सारे लोग आए थे। हमारे साथ राजभर जी चल रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोला था और मैंने इनसे कहा कि अब दरवाजा बंद कर दो। जयंत चौधरी जी तो उधर मुलाकात प्रियंका गांधी से भी कर रहे हैं, उनसे डील सील नहीं हो पाई है क्या? कि वो तो एयरपोर्ट पे मिले दोनों, तस्वीरें सबके सामने आई, तब सब सुगाहट तेज हो गई कि ये क्या हो रहा है। वो बात पुरानी हो गई है और उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ी है। बहुत जल्दी और दलों को साथ लाने का काम करेंगे। संजय चौहान जी बैठे, इनका भी दल हमारे साथ है। अच्छा, नंदलाल निषाद कौन सा वो वाला है ना? ए
ये नीला वाला ये लड़का है, जिन दलों को साथ लाने का काम कर रही है पार्टी, उन दलों के साथ बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। प्रियंका गांधी के साथ संभावनाएं खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर वो अकेले लड़ने वाली है, मतलब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने वाली। उनको बहुत बधाई। पुरानी चीजों से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है, वो बात भी बहुत पुरानी हो गई, अब बात आगे आ गई है। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं, ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी अभी आपने कौन नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? आज आज देखिए, प्रदेश ये चाहता है बदलाव। जो आपने इनसे वादे किए थे वो आज वादे पूरे नहीं हुए हैं। जो वादे किए गए थे, ये अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं पढ़ते हैं, संकल्प पत्र? क्या उनके संकल्प पत्र में ये एक्सप्रेस था? और फिर आधा अधूरा, बीजेपी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना, एक किनारे शौचालय हो तो बताइए, इसके किनारे मंडी बननी थी किसानों की पैदावार की सही मूल्य, एक किसान हमें बता दो जिसको धान की कीमत मिली। वो जो कह रहे हैं गाजीपुर से अब ज्यादा कम समय में, उससे अच्छा कोई झूठ बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कम समय में किसान पहुंच पाएंगे लखनऊ और दिल्ली तक। आगे वाले लोग हैं वो चार पहिए की गाड़ी से चल रहे हैं, और जिनको जिम्मेदारी दी वो पैदल चल रहे हैं, तो सोचो पैदल चलने वाले कम से कम उत्तर प्रदेश का तो भला करते। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अब दावा तो वो कर रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी बनेगी सरकार, 2012 जैसा प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद है, राजेश मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही जुड़े हुए हैं बीएसपी से प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी जी। लेकिन गौरव भाटिया जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव का ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका वो दावा करते हैं बार बार, उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और आज लंबी चौड़ी रथ यात्रा जैसा कि तस्वीरों में भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, वो उन्होंने निकाली और कहा कि बीजेपी तो सिर्फ एक रंग वाली पार्टी है, रंग और नाम बदलने का काम करती है, हम बहुरंगी पार्टी है, एक बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है, और इसका बजट हमने पास किया था, योजना हमारी थी, क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। क्या है इस पर जवाब आपका गौरव जी? चित्रा जी, अब तो देखिए चुनाव पास आ गए हैं, और गुंडा राज जो समाजवादी पार्टी के समय में था, उससे राम राज्य की तरफ योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। जल्द ही इनको जनता जवाब दे देगी। और कुछ ही सप्ताह पहले चित्रा जी हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे कि विकास पे बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास पे बात नहीं कर रही, उन्होंने जो कार्य किया है वो दिख रहा है विकास का, लेकिन एक शेख चिल्ली नेता भी हैं जिनका काम है मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखना, वो कहते हैं बजट मैंने दिया। ये तथ्य भी मैं आपको बता दूं, ये राजनीति में ही हो सकता है चित्रा जी, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस पे वो चल रहे हैं, जिसने उसे बनवाया उसी को गाली दे रहे हैं, ये कहीं और नहीं हो सकता है। दूसरी बात, 15 साल में सपा और बसपा की सरकारें रहीं, कुल एक्सप्रेसवे बना 467 किलोमीटर, और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 641 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया है, तो आप सोच सकते हैं गति कितनी ज्यादा है। दूसरी बात, आप याद करिए लखनऊ से आगरा तक का जो एक्सप्रेसवे ये बताते हैं, मेरे हाथ में तस्वीर है, इसका उद्घाटन किया, 1 महीने के अंदर जमीन धस गई, और ये जो गाड़ी है, पता नहीं चित्रा जी इसमें अखिलेश यादव जी थे या नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बचाया गया, ये 20 फीट नीचे गाड़ी धसी हुई है, ये इनका निर्माण का कार्य था। तीसरी बात, देखिए झूठ कैसे बोला जाता है, ये कहते हैं कि हमने भूमि अधिग्रहण किया, आपको मालूम है टेंडर निकालने के लिए 90% भूमि आपके पास होनी चाहिए, 25% थी जब इन्होंने टेंडर निकाला, मालूम है क्यों? कि वसूली हो सके, इनको पता था सरकार जा रही है, लेकिन कमीशन खोरी की आदत लग चुकी थी कांग्रेस से, तभी दोनों लड़के भी साथ आ गए। ठीक है ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं राजकुमार भाटी जी, आप जवाब दीजिए,
वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने कितना भी दावा कर ले, लेकिन उनके दावे में दम नहीं है। जवाब दीजिए आप। बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, बदतमीजी करना, चरित्रहनन करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की पहचान बन चुकी है। अभी गौरव भाटिया झूठ बोलते वक्त, क्योंकि झूठ की एक विशेषता होती है कि आदमी जब झूठ बोलने पर लगता है तो कहीं ना कहीं बीच में सच बोल जाता है। अभी खुद कह गए कि 25% जमीन एक्वायर कर ली थी समाजवादी पार्टी ने, इसका मतलब एक्सप्रेस में तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। 25% कम नहीं होती जमीन, अगर 25% जमीन एक्वायर कर ली थी तो यही तो हम कह रहे हैं, ये विजन हमारा था, सपना हमारा था, योजना हमारी थी, हमने शुरू किया था, इसका नाम दिया था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यही हम कह रहे हैं। वो गौरव भाटिया भी कह गए आपके चैनल पे अभी अभी। दूसरी बात, हम जो कर रहे थे उसमें से इन्होंने उसकी काफी गुणवत्ता घटा दी उस एक्सप्रेस वे की, उसमें सर्विस रोड पूरी नहीं है, उस पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, उस पर कोई जन सुविधा नहीं है, उसकी जो हमने देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश जी ने, उसमें जितने भी बीच में आपको पुल और पुलिया पड़ेंगे सब 8 लेन के बनाए हैं, ताकि भविष्य में अगर उसे चौड़ा करना पड़े, 8 लेन करना पड़े तो कोई दिक्कत, ठीक है। इस पे भी हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, लेकिन इन्होंने 6 लेन के बना दिए, तो इन्होंने उसमें कट, अभी ये आधा अधूरा एक्सप्रेस वे, ये पूरा नहीं हुआ इसका इन्होंने, ठीक है। दूसरा जो झूठ बोल आधा अधूरा एक्सप्रेस वे है, काम भी पूरा नहीं किया आपने गौरव भाटिया जी, और पहले ही आके उद्घाटन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं आप लोग, है कि गाड़ी धस गई थी, वो गाड़ी सर्विस रोड पर धसी थी, और वो सर्विस रोड आपकी सरकार ने उसकी मरम्मत नहीं कराई, मिट्टी निकल गई, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार की गलती नहीं है, बीजेपी की सरकार की गलती की वजह से घुसी गाड़ी जो धसी। ठीक है, देखिए चित्रा जी, दो तथ्य रख दूं। सबसे पहले तो जो 25% भूमि अधिग्रहण हुआ, खुद मान लिया कि केवल 25% हुआ था, और उसके बाद वो रद्द हुआ, और जो DPR रिपोर्ट थी अखिलेश जी के समय में वो गलत थी, उसको कैंसिल करके जब नई DPR रिपोर्ट आई तो जनता का 3,000 करोड़ रुपया बचा। एक दूसरा, ये शिलान्यास कब हुआ था इनका मालूम है, जो एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, 22 दिसंबर 2016 और चुनाव कब घोषित हुए, 4 जनवरी 2017। मतलब 13 दिन पहले इनको याद आया कि हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनवाना है, ये 5 साल रहे थे। और तीसरी बात मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, ये है एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का। इनका दर्द ये है कि अपने समय में केवल खनन माफियाओं के साथ खड़े रहे। आज देखिए अंसारी के भाई के साथ रथ में थे, मतलब कौन है इनके साथ, हैं अतीक अहमद जैसे लोग, अंसारी जैसे लोग इनके साथ है, खनन माफिया, गायत्री प्रजापति जिनको बलात्कार में सजा हुई है, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, और ये जानते हैं कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, आपके राजभर जी भी इनके रथ में सवार थे, और वो भी दावा कर रहे हैं कि इन्हीं की सरकार बनेगी। हाँ, जल्दी से एक लाइन में गौरव भाटिया जी, फिर आ रही हूँ भाटी साहब आपके पास। चित्रा जी ये बड़ी अच्छी बात याद दिलाई आपने। हाँ चित्रा जी ये बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई, राजभर जी तो अभी ओवैसी जी के साथ थे, 100 सीटों पे साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा लगता है राजभर जी तो हर जगह घूम रहे हैं, ऐसी पटकनी देंगे समाजवादी पार्टी को कि कुछ बताएगा बचेगा नहीं। और एक अंत कर रहा हूं बात से, ये कहते हैं फीता लखनऊ से आया, कैंची जो है वो आई दिल्ली से, अरे आपका फीता तो जिन्ना वाला और कैंची कराची वाली, हमारी तो फीता और हमारी जो कैंची है भारतीय है, हमें इस बात पे गर्व है। बोले भाई राजकुमार भाटी जी, कह रहे हैं कि आप जिन्ना वाला फीता और कैची कहां से आई, उसका उन्होंने उदाहरण दिया है, और साथ ही राजभर जी को लेकर भी आप लोग इतने उत्साहित हो रहे हैं, पूर्वांचल में रथ में बिठाकर उनको घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ घूमे पहले, फिर आपके रथ में सवार हो गए, अभी देखते जाइए चुनाव नजदीक आएगा आगे क्या होता है। देखिए आप कितना भी प्रयास कर लें कि ये मुद्दे पे बोले, एक्सप्रेस वे के ऊपर बोले, विकास के ऊपर, ये बोल ही नहीं सकते, ये आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे, चरित्रहनन में जाएंगे, पता नहीं किस किस के नाम लेंगे, जिन्ना को कहां से लेकर आएंगे, टीपू सुल्तान को लेकर आएंगे, अभी तो पता नहीं कहां कहां दौड़ेंगे, क्योंकि मुद्दे पे ये बात कर नहीं सकते, मुद्दे पे ये फेल है। उत्तर प्रदेश में कुछ किया तो है नहीं, पता नहीं कहां से झूठे आंकड़े लाते हैं। जिन्ना तो आप ही लेकर आए, जिन्ना तो आप लेकर आए ना, कभी लेकर जिन्ना तो आप लेकर आए हैं, उनको क्यों बोल रहे हैं, गजनी है ना ये,
गजनी पार्टी का गजनी लेके आता है, भूल गए कि ये लाए थे। नहीं है गौरव भाटिया जी, भूले नहीं है आप बौखलाए नहीं, भूले नहीं है, हमें अच्छी तरह याद है। जिन्ना 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 टीपू सुल्तान पाकिस्तान मुसलमान बौखलाएंगे, हम तो 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे। आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, हमको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, फर्क ये है। आप तो जिन्ना के आशिक है ना, हम तो सरदार पटेल को अब बाकी मेहमानों को भी शामिल कराते हुए, ठीक है वो जिन्ना लेकर आए तो आप भी लेकर आए ना, अभी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही सिकंदर को भी लेकर आए, अब यही सारी चीजें तो ज्यादा चुनाव तक सुनाई देंगी गौरव भाटिया जी। लेकिन बाकी दोनों मेहमानों को भी यहाँ पर शामिल कराते हुए चर्चा में तो धर्मवीर चौधरी जी सीधे आपका रुख करते हुए, अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दावा कर रहे हैं धर्मवीर जी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, किस तरह से आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे को लेकर जो होड़ मची हुई है, क्रेडिट लेने की जो कसम ये रसाकशी चल रही है उसको बीएसपी कैसे देख रही है धर्मवीर चौधरी? चित्रा जी, अभी अखिलेश यादव जी का बयान और उनके बीजेपी के दूसरे नेताओं का बयान मैं सुन रहा था, और अभी मैं इनकी जो प्रवक्ता हैं दोनों, इनकी नूरा कुश्ती भी मैं देख रहा हूं टीवी की डिबेट में, और पूरा देश देख रहा है। ये जो अभी राजकुमार भाटी जी गौरव भाटिया जी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये चरित्र हनन करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो इनके चाल चरित्र चेहरे में जाइए, ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं, ये क्लासरूम इन्होंने कौन से अटेंड किए थे, ये समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है गौरव भाटिया, और इनका चाल चरित्र चेहरा दोनों का 420 का है। ये कहेंगे कि हमारी 370 सीटें आ रही हैं, 400 आ रही हैं, अभी ये देखना चुनाव आते आते कहेंगे 420 सीटें आ रही हैं, क्योंकि ये 420 के आदमी हैं, ये 420 हैं दोनों पार्टियां, ये दोनों पार्टियां अंदर खाने चित्रा जी मिली हुई हैं। ये जिन्ना जी आप आ जाइए और बताइए कोई कहराना की बात करेगा, लेकिन ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, और ये नूरा कुश्ती की बात करेंगे। आपके पास इतना अच्छा मौका था, आप बता सकते थे यमुना सेकंड सर एक्सप्रेस वे जिसको लेकर मायावती जी भी आगे बढ़ी, लेकिन उसका जिक्र आप नहीं करेंगे, आप फिर आ जाएंगे व्यक्तिगत टिप्पणी पर, आप आ जाएंगे व्यक्तिगत टिप्पणी पर, ये ना संविधान की बात, अरे थोड़ा मुद्दों पर भी बात कर लिया जाए, विकास पर अगर बात हो रही है तो विकास पर ही बात कीजिए धर्मवीर जी, ठीक है? समाजवादी पार्टी है जिसने मुसलमानों को मरवा दिया था उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर के अंदर, कैराना के अंदर, और ये वही बीजेपी है। 2019 में जब आप जाते हैं उस सभा के साथ तब आपको याद नहीं आती है धर्मवीर चौधरी जी? ये झगड़ों की पार्टियां हैं दोनों, इनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, कितना रंग बदलते हैं, कितना रंग बदलते हैं सर, 2019 में कितना वक्त गुजरा, तब समाजवादी पार्टी तब उसकी साइकिल पर सवारी में आपको दिक्कत नहीं थी, डीपीआर उनके शासन में बनी थी, ठीक है? डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर अगर आपको सीखना है तो बहन जी की क्लास में आइए, बहुजन समाज पार्टी की क्लास में आइए, बाकी ये फर्जी बातें करना प्रवक्ता छोड़ दें। बोलिए गौरव भाटिया जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, और बोलो उसके बाद राजेश जी मैं आऊंगी आपके पास। हाँ नहीं नहीं मैं और बोलूं अभी। चित्रा जी पहले तो देखिए हम लोग विकास की बात करते हैं, चुप हो जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए, बहुत बोलिए आप, छोड़िए उसे, जाने दीजिए। देखिए मायावती जब अपने घर से निकली अभी एक दो दिन पहले तो लोग पहचान नहीं पाए, मालूम है क्यों? जनता ने कहा कि आप 5 साल से तो निकली नहीं थी, आपका चेहरा इतना बदल गया है मायावती जी, और ये वो मायावती है जो दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी, 5 करोड़ की माला पहनकर बाहर निकलती है, इससे क्या दलितों का हित होगा? आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा प्लीज, उनको बोल दीजिए राजेश जी, वो बहुत इंतजार कर रहे हैं, प्लीज धर्मवीर चौधरी प्लीज सर, कभी ये आदिवासी का रूप है धर्मवीर जी, कभी ये सींग लगाते हैं, एक सेकेंड कहाँ बने, एक सेकेंड एक सेकेंड धर्मवीर जी, स्मार्ट सिटी में जरा एक लैंटर्न भी जली कहीं पूरे प्रदेश के अंदर, मैं मेट्रो कहीं गोरखपुर में बनारस में कोई मेट्रो का ट्रैक बिछा 1 किलोमीटर का जो स्मार्ट, शांत करा लीजिए तो मैं चित्रा जी अपनी बात पूरी कर लूं, कोई डेवलपमेंट का आपके, आपने विकास दुबे नाम का धर्मवीर जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो आप दूसरों को भी बोलने दीजिए, ठीक है? वो काशी आखिरी बार कब आए थे दूसरी बार, धर्मवीर चौधरी काशी आखिरी बार कब आए थे, आखिरी बार वाराणसी कब आए थे, माफिया जो है मैं तो यही बैठी हुई हूँ आपके, अरे मैं यही बैठी हुई हूँ, आप बताइए आखिरी बार कब आए थे, बात पूरी कर लीजिए,
आपके 130 विधायकों के ऊपर जो है अपराध। रणवीर जी आप लगातार बोलेंगे, मजबूरी में फिर मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा और फिर आप तो कहेंगे कि आपका ऑडियो डाउन करा दिया जाता है। एक आखिरी बार मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, अगर अब आप चुप नहीं होंगे तो मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगी। प्लीज गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। राजेश मिश्रा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आपको मायावती गौरव भाटिया जी कहीं 5 साल तक नहीं दिखी, लेकिन प्रियंका गांधी तो नजर आ रही है ना। चाहे आप इनका कितना भी साथ दे लो, ठीक है सर, प्लीज डाउन तो जनता इनका। धर्मवीर जी का ऑडियो डाउन किया जाए, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। धर्मवीर जी का ऑडियो डाउन किया जाए। मायावती जी तो आपको नजर नहीं आई, लेकिन प्रियंका गांधी तो दिखाई दे रही होंगी ना। आज ही वो चित्रकूट पहुंची, महिलाओं को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से कर रही है, तो प्रियंका गांधी तो सक्रिय दिख रही है ना आपको। अच्छा अच्छा चित्रा जी, बस मैं बसपा को निपटा लूं, फिर मैं प्रियंका वाड्रा जी पे भी आता हूं। मैं केवल इतना कह रहा था, मायावती जी का जन्मदिन होता था तो 50 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा था इंजीनियर को, उसने खुदकुशी कर ली थी। और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये सौहार्द था। खैर अब आते कांग्रेस में। देखिए कांग्रेस पार्टी में तो एक और विचित्र तरीके की दिक्कत है, उनका मुकाबला हमसे है नहीं। मैं ये बार बार कहता हूं आपके चैनल पे भी, वो AIMIM से लड़ रही है और नोटा से, और हो सकता है कि नोटा के वोट ज्यादा आए, कांग्रेस पार्टी के वोट कम आए। अगर हिम्मत है प्रियंका वाड्रा गांधी में तो अब बोल के दिखाएं उत्तर प्रदेश में कि हिंदुत्व का मतलब है कि आइसिस और बोको हरम, जो सलमान खुर्शीद ने कहा। प्रियंका वाड्रा गांधी एक बार बोले भगवान राम काल्पनिक है, आज तो चित्रकूट में वो राम घाट पे ही थी, और अखिलेश यादव भी भगवान राम के मंदिर पे बोलने लगे। क्यों बोलने लगे? शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उनकी फोटो भी आई है। बात पूरी कर लूं चित्रा जी, तो ये देखिए जो चुनावी हिंदू, इच्छाधारी हिंदू, बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनने वाला हिंदू, हिंदुत्व को राहुल गांधी कहते हैं कि सिखों और मुसलमान को मारो, ये हिंदुत्व सिखाता है। इसी एजेंडे पे चुनाव लड़ के दिखाए ना। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा था कि दक्षिण भारतीय जो है ये परिपक्व राजनीति जानते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय जो है ये परिपक्व नहीं है। ये बात उत्तर प्रदेश में बोलेंगे बार बार, ये यकीन है मुझे। ठीक है, राजेश मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। राजेश जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ चित्रकूट में अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी की सक्रियता है, लेकिन आज ही अखिलेश यादव की ओर से साफ इनकार कर दिया गया कि वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए नहीं जाएंगे। तो आप लोगों की जो रही सही उम्मीदें 2017 वाली थी, क्या उनके बयान के बाद आज खत्म हो जाती हैं? और गौरव भाटिया ने जो कहा उस पर भी जवाब दीजिए आप। राजेश चित्रा जी एक आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप हर दल के लोगों को बैठाती है तो सबको बराबर का समय दिया, पहली बात। और दूसरी बात, आपने दो चीजों को कहा, आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले प्रियंका गांधी जी ने बुलंदशहर के अंदर कहा कि हमारे सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। प्रियंका जी ने स्पष्ट बयान दिया था, अखिलेश जी ने आज कहा है, और प्रियंका गांधी जी ने 4 दिन पहले कह दिया है कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हमारे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, किसी से गठबंधन ना हो, और प्रियंका गांधी ने इस पे कहा। अब तीसरी बात, जो अभी जो गौरव भाटिया जी बोल रहे थे उस पर मैं बोलना चाहूंगा। गौरव भाटिया जी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलते थे, अब ये भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। कल चुनाव बीत जाएगा, किस पार्टी से बोलेंगे ये वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो उनकी बात कितनी सही होगी, कितनी गलत होगी, कब किस साल किस चुनाव में वो किस पार्टी का पत्र रखेंगे कोई नहीं जानता। अब ये प्रियंका गांधी जी पे जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। हम भगवान को मानते हैं, हम पूजा करते हैं, ये हमारे जो है पूजा का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। एक मिनट, हमारी बात पहले सुन लीजिए तो उत्तर दीजिएगा, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। ठीक है सर। अभी बनारस जल्दी से पूरी कीजिए जी। सुनिए मैं बोल रहा हूँ, अभी बनारस के अंदर एक मूर्ति पता नहीं कहाँ से लाई गई है, बनारस का आदमी कोई नहीं जानता कि यहाँ पे कब मूर्ति गायब हुई थी, कब मूर्ति गायब हुई, और परसों आ गया पता नहीं कहां से, कनाडा से कि कहां से कोई मूर्ति खोजी गई, और ये कहा जा रहा है कि वो
अन्नपूर्णा जी की मूर्ति आ गई। ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। अब जरा आगे बढ़ेंगे, जो बातें आपने कही है ठीक है, ठीक है सर। अरे अन्नपूर्णा की जब मूर्ति आई मैं उसी में प्रांगण में ही खड़ी थी सर। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए प्लीज, जल्दी से कंप्लीट। आप तो रहेंगी, चैनल के लोग तो रहेंगे ही, लेकिन बनारस में जो 20-22 लाख लोग हैं, ये कोई नहीं जानता कि अन्नपूर्णा की मूर्ति कब चोरी हुई थी, कब नहीं हुई थी। आज तक बनारस का आदमी इसी में परेशान है कि अन्नपूर्णा जी की मूर्ति चोरी कब हुई, और ये कहते हैं कि 108 साल पहले चोरी हुई थी, उस मूर्ति को हम ला रहे हैं। यही काम इन लोगों ने माता अन्नपूर्णा की मूर्ति में एक नई ही कहानी आप लेकर सामने। और सर मैं तो हर जगह रहूंगी, मैं तो हर जगह रहूंगी, मैं वाराणसी में भी थी, काशी विश्वनाथ मंदिर में, सुनिए ना सर, तो मैं BHU में भी थी आज, और मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ महात्मा गांधी ने 1921 में जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वहीं बैठी हूँ मैं, ठीक है ना सर। ठीक है, आपकी बात हो गई, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं तो हर जगह रहूंगी, पत्रकार हूँ, मेरा तो काम ही वही है। सुनिए, मैं BHU का PhD हूँ, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा। आप हमें उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। ये जो धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो धर्म के साथ नौटंकी कर रही है भाजपा, ये हिंदू धर्म को आप कर रही है। और सबसे धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया ले लूंगी भाजपा की, ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले ठीक है सर। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की ओर से लाल रुमाल रखकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी एक्सप्रेसवे बार बार बताने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज उनके 4 MLC को अपना बना लिया है, उनके सिर पर रुमाल रखकर उनको BJP का सदस्य बना लिया। सुनिए उन चारों ही समाजवादी पार्टी के विधायकों को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे जो अब BJP के हो चुके हैं। जी ऐसा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं श्री नीरज शेखर जी, जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। एक तो कारण ये था, और समाजवादी पार्टी छोड़कर नीरज शेखर जी भाजपा में चले गए। इस वजह से उसी समय हमने सपा का झंडा उतार दिया और मैं लगातार सपा से हट गया। दूसरा, योगी जी और मोदी जी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। मनसा हमारी आज से 1.5 साल पहले जब नीरज शेखर जी ज्वाइन कर रहे थे तभी से हमारी थी, लेकिन जो आज जाके साकार। अब ये तो 22 में चुनाव हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या ताकत रही क्या नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। और पश्चिम में जब मैं भी समाजवादी पार्टी में था, हमने सरकार बनाई थी 2012 में, तो 5 सीट तो थी पश्चिम में। इस बार क्या होगा? अब इस बार 3 सीटें, अब 3 में 4 हो जाएंगी या 2 रह जाएंगी। सीधे राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, मतलब आपके 4 MLC भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। एक तरफ पूर्वांचल रथ आप दौड़ाइए, दूसरी तरफ आपके नेता पार्टी छोड़कर BJP का दामन थाम रहे हैं, बचा नहीं पा रही है क्या पार्टी अपने नेताओं को? चित्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली पूरा देश देख रहा है, और जो गुजरात मॉडल है वो यही है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को, सांसदों को खरीद खरीद कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, ED, इनकम टैक्स, CBI से डराकर कराया गया, और जैसे ही चुनाव निपटे हैं वो सारे लोग सिर्फ मुंडवा मुंडवा कर वापिस जा रहे हैं, माफी मांग मांग के, हाथ में गंगा जल ले लेके। पूरा देश देख रहा है, यही हाल इनका होना है। जो आज किसी लालच में या किसी दबाव में इनके कुछ के 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, उनपे छापे पड़ रहे हैं, किसी को किसी तरह से डराया जा रहा है, किसी को पैसे दे के खरीदा जा रहा है, किसी को पद का लालच दिया जा रहा है। ये जो स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ देखने वाले लोग हैं, ये बहुत जल्दी इधर वापिस दौड़ लगाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की 2 महीने की सरकार उत्तर प्रदेश में बची है, 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते भी शामिल हैं। आप सोचिए कितना बड़ा नाम है, वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते शामिल हैं, वो भी चले गए BJP में, और पूर्वांचल पर आप रथ दौड़ा रहे हैं, वो पूर्वांचल का बड़ा चेहरा थे, BJP ऐसा दावा कर रही है और अपनी पार्टी में शामिल करा के खुशी से वो फूलों नहीं समा रही। देखिए, चंद्रशेखर एक सच्चे नेता थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, सच्चे समाजवादी थे, संविधान में विश्वास करने वाले थे, संघर्ष किया, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे जीवन भर। अब जरूरी थोड़ी है बड़े आदमी का पोता भी बड़ा आदमी होगा, वो अब ये किस लालच वो बता सकते हैं या गौरव भाटिया बता सकते हैं, लेकिन हम तो इतना बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पूरे सरकार को लगा देंगे, ED को, इनकम टैक्स को, CBI को लगा देंगे, फर्जी पैसे का लालच देंगे, दल बदल करवाते हैं।
लेकिन कोई स्वाभिमानी आदमी कितना भी दबाव पड़े वो दल बदल नहीं करता है। ये बिकाऊ माल है सब पूरा इधर उधर। वो कह रहे हैं ईडी सीबीआई सबको लगा देते हैं आप, और पैसों का लालच देकर नेताओं को शामिल करवा रहे हैं अपनी पार्टी में। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है बीजेपी के नेता सक्रिय हो जाते हैं इस काम में, और बंगाल का वो उदाहरण भी दे रहे हैं आपको। देखिए पहले सपा की बात का उत्तर देते हैं, कितने दोगले हैं ये आप बताइए। मुलायम सिंह यादव जी ने तो कहा था कि कांग्रेस ने सीबीआई उनके पीछे लगवाई और कांग्रेस के साथ ही मिलके यूपी के दो लड़के इन्होंने चुनाव लड़ा, ये बात अलग है। साइकिल पंचर रही, सीट अलग चली गई, कांग्रेस अलग चली गई, फिर मायावती के साथ आए, बुआ और बबुआ दोनों का हश्र क्या हुआ, 15 सीटें आई लोकसभा की, कुछ नहीं कर पाए। मतलब अकेले इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी का आज का वक्तव्य जो आपके चैनल को दे रहे थे, उनको इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है। वो कह रहे थे कि चीन ने आज अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, क्या ये सच्चाई है? अब बताइए, जो व्यक्ति ये भी नहीं जानता है कि हो क्या रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को चलना चाहिए। तीसरी बात, सबसे अहम ये है, जो गुंडा राज इनके समय में होता था, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी मौलाना नजीर चार्टर प्लेन से बुलाए जाते थे अखिलेश यादव द्वारा, जिस तरह से हमने देखा पुलिस आजम खां की भैंसे ढूंढती थी, वो बदला, और आज मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब कांग्रेस पे आते हैं, चित्रा जी क्या ये सवाल लाजमी नहीं है कि दो साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं गई हैं? प्रियंका वाड्रा गांधी जी से मैं चुनौती देता हूं, चुनाव लड़े, कहां से लड़ रही हैं, जमानत जब्त होगी उनकी। और तीसरी बात, रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का सदस्य 9-9 बार चुनाव जीता लेकिन विकास नहीं किया। अगर गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सुनिश्चित किया कि पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बने, रायबरेली में एम्स आए और आगे चल के भी विकास की धारा बने। कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लें विधानसभा का, और कई कई बार आपके सांसद रहे अमेठी रायबरेली से, किसी ने विकास नहीं किया, योगी जी की सरकार आई उसके बाद अमेठी रायबरेली का विकास भी हो रहा है, और सोनिया गांधी रायबरेली भी नहीं जा रही हैं। जवाब दीजिए राजेश मिश्रा जी। राजेश जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, जल्दी से उनका फोन आप पैच कीजिए। सीधे धर्मेंद्र चौधरी जी आपके पास आते हुए, देखिए ये तो इन पार्टियों की बात हुई, अखिलेश जी की रथ दौड़ रही है पूर्वांचल पे, वहां पर गौरव भाटिया जी अपना ही दावा कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया, फिर वो झांसी भी आने वाले हैं, उसके बाद अगले ही महीने विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन होना है 10 तारीख के बाद। तो बीजेपी के लगातार दावे हैं कि विकास की गंगा 2014 के बाद बह रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीएसपी मायावती जी को लेकर तो सवाल पूछा जाएगा ना। ये अखिलेश भी दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, चित्रकूट पे प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, बीजेपी के भी तमाम नेता उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती जी की उस तरह की सक्रियता जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। अपनी नेता को तो ढूंढ ही रहे होंगे ना कार्यकर्ता, और आम लोग भी पूछते हैं कि बीएसपी की मुखिया कहां पर है। धर्मवीर चौधरी जी, चित्रा जी 75 जनपदों में हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करके समाप्त कर चुके, जिसका समापन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में किया था, जिसकी समाजवादी पार्टी ने भी नकल की थी और बीजेपी ने भी नकल की थी, लेकिन ये एक एक जिले में सम्मेलन करने के बाद में फेल हो गए। उसके बाद में 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर 10 लाख लोगों की रैली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की थी, जो हम लोगों ने बुलाए नहीं थे, वो अपने हर्जे खर्चे पर पार्टी के लोग अपने आप पहुंचे थे अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे देश ने, संसार ने देखा था, बीबीसी ने भी 10 लाख लोग काउंट किए थे उसमें। और आज ये जो प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं ईंटे लगाते हुए, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये कितना भी डेवलपमेंट का ढिंढोरा पीट लें, बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये अच्छे दिनों का वादा करके आए थे, जनता के अच्छे दिन नहीं आए, बीजेपी के बुरे दिन आ चुके हैं चित्रा जी। और समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है धोखेबाजी का, इन्होंने अपने पिताजी को धोखा दिया, मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष पद छीन लिया,
इन्होंने अमर सिंह जी को धोखा दिया, इन्होंने जो है जो आजम खान है मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी और का, समाजवादी पार्टी को किसने धोखा दिया 2019 में? सपा को 2019 में किसने धोखा दिया? धोखा दिया शिवपाल के साथ चुनाव लड़े, आपके 10 सीटें आई, 5 चुकी, उसके बाद आपको खिसक लिए कुछ दिनों के बाद, चाहे वो प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे को हटाने का काम हो, सब जानती है, कन्नौज में माननीय डिंपल जी को हटाने का काम हो, पकड़ लिया आपने, कौम ने ही इनको धोखा दे दिया, क्योंकि इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो धोखेबाजी से भरा है। ये दलितों को धोखा देते हैं, ये समाज को धोखा देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि सपा का चाल चरित्र का चेहरा धोखेबाजी का है? ठीक है, मैं आपकी बात समाजवादी सोच के पूंजीवादी सोच के लोग हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपकी बात हो गई, बाकी लोगों से मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसी इंटरव्यू के आगे के हिस्से में क्या कहा है, किस तरह से अपनी सरकार बनने की बात कही गई है, कुछ और दूसरे मुद्दों पर उनसे बातचीत की है आज तक नहीं सुनी। क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी शब्द हटाकर ये बीजेपी के लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्योंकि अग्रेश जी देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्वांचल एक अहम फैक्टर है, 33% सीटें यहाँ से आती हैं, और जिसने पूर्वांचल पर कब्जा कर लिया उसने उत्तर प्रदेश को एक तरीके से हासिल कर लिया, ये बात बीजेपी जानती है, और यही वजह है कि टाइमिंग ऐसी रखी गई बेहद नजदीक चुनाव के। मुझे याद है कि यहीं पर एक भाषण हुआ था, कहा गया था कि यहाँ के सांसद ने कभी लोकसभा में ये बात कही थी कि जब उन्होंने निकाल करके दाना लोग गरीबी में खाते थे, सुबह के गंदगी में से दाने निकाल करके लोग खाते थे, ये गरीबी थी, और हम ये महसूस करते हैं कि पूर्वांचल के लोग यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, इसको कैसे दूर किया जाए। अमेरिका के बारे में जो कहावत थी कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों से अमेरिका बना, और वही बात जोड़ते हुए मैंने हर बार कहा, जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का मैंने शिलान्यास किया था तो मैंने ये कहा था कि अगर आप रफ्तार बढ़ा सकते हैं तो अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी, लोग अपने संसाधनों से, सरकार के सहयोग से, सरकार के फैसले से अपने आप खुशहाली आएगी। तो आज हमारे देश को जरूरत है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने की, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेस वे दिया है। तो ये फैक्टर सबसे बड़ा है कि पूर्वांचल को विकास की गति कौन दे रहा है, समाजवादियों ने दिया, और आज भी समाजवादी काम आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं 4.5 साल में कौन सी टैबलेट देते रहे आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए नौजवानों के हाथ में लैपटॉप नहीं दिया उन्होंने, जो चीज वो खुद नहीं कर रहे हैं वो कैसे लैपटॉप दे देंगे इन नौजवानों को, वो जानते हैं कि जिस समय इन्हें लैपटॉप मिल जाएगा पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ये अपने सूझबूझ से अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे, ये 16 घंटे काम करना चाहते हैं नौजवान, आप क्या जगह दे रहे हैं उनको 16 घंटे काम करने के लिए, क्या मौका दे रहे हैं आप उनको, ये दिन रात पसीना बहा करके दूसरों के कारखाने चला रहे हैं, क्या ये लोग भूल जाएंगे कि माँ गंगा में यहाँ लाशें निकली थी, यही बक्सर में लाशें थी, गाजीपुर में लाशें थी, क्या कहा था बीजेपी ने कि लाशें बिहार से आ रही हैं, क्या गंगा उल्टी पाएंगे ये लोग, इसका जवाब उनके पास क्या पूर्वांचल के शिलान्यास। लेकिन मेरा वो सवाल भी अधूरा रह गया अखिलेश जी, इसमें ये कहा गया कि आपने सहयोग नहीं किया केंद्र सरकार को, इसीलिए कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए 14 से लेकर 17 तक। मुझे एक प्रोजेक्ट ये बता दे सरकार जिसमें सहयोग समाजवादी सरकार का नहीं था, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय जो पीएमओ में थे उन अधिकारी को मैंने कहा कि जो अधिकारी आप चाहते हो बनारस में पोस्टिंग ले लो, आज वो रिटायर हो गए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के में काम कर रहे हैं, आप जाकर के पूछिए उनसे कि जिन जिन अधिकारियों को आपने कहा बनारस में पोस्ट कर दो समाजवादी सरकार में, वो अधिकारी पोस्ट हुए कि नहीं हुए, अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग किसने की बनारस में, 24 घंटे बिजली किसने बनारस में की, मुझे अच्छी तरह याद है, एक उनके साथी स्वर्गवास हो गया उनका, वो आज जिंदा नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आज भी एक उनके विधायक जिंदा है, श्यामदेव चौधरी जी आज भी जिंदा हैं, आप जाकर के पूछिए वो कितने दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने मैंने उन्हें भूख हड़ताल से हटाया, और वो पूछा उनसे मैंने क्या चाहते हो, तो बोले ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है इसमें 24 घंटे बिजली दे दो, मैंने उसी दिन 24 घंटे बिजली दी, और उस दिन मैंने उनसे कहा कि आप उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो, मैं ये जानना चाहता हूँ आज गरीबों को बिजली का करंट लग रहा है जिस दिन बिल आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाया,
जिस उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, प्रधानमंत्री दिया हो, दो दो बार केंद्र में सरकार बनाई हो, क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा पाई है सरकार? इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण देखा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़े और अहम मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर को कोई भी बनने से नहीं रोक सकता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया है तो भगवान श्री राम का मंदिर कोई भी नहीं रोक सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए कि जब हाईवे समाजवादी सरकार 21 महीने में बना सकती है, लखनऊ में 13 या 14 और 19 महीने में मेट्रो चल सकती है, तो आखिर इतने दिनों के बाद भी भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बना है? और अगर भगवान श्री राम किसी से नाराज होंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे। के हिसाब से इस बार का सबसे बड़ा एजेंडा, मुख्य मुद्दा क्या होगा? विकास होगा, रोजगार होगा, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो होगा, या फिर यूं कहें कि कोरोना में जिस तरीके का मैनेजमेंट रहा सरकार का, वो एक अहम मुद्दा। देखिए, कोरोना की बात तो सरकार इसलिए नहीं करेगी क्योंकि माँ गंगा, जो पवित्र माँ गंगा है, जिसको हम सब माँ गंगा मानते हैं, उसमें कितनी लाशें बह गई, कैसे शर्म से देखेंगे उसको? क्या शर्म नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी को? क्या बात करते हुए नहीं उनको शर्म आएगी कि माँ गंगा से वादा किया था कि माँ गंगा साफ होंगी? आज मुझे बताओ, गोमती साफ हो गई? माँ गंगा के साथ साथ क्या यमुना साफ हो गई? क्या और देश की जो नदियाँ जो गंगा में जुड़ती हैं, कौन सी नदी साफ हो गई? वो बदहाल हमारी वजह से नहीं है, वो हम बदहाल है बाबा मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है धुआं उड़ाने में। बिना देर के गौरव भाटिया जी सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव जी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से पूछा गया आपसे लैपटॉप और टैबलेट ये कब दिया जाएगा छात्रों को, 4.5 सालों से इंतजार कर रहे थे ये लोग, बताइए आप। हाँ देखिए चित्रा जी, मैंने सुना और इन्होंने टैबलेट की बात करी। देखिए, समाजवादी पार्टी टैबलेट और भाजपा की टैबलेट में फर्क बताता हूं। समाजवादी पार्टी ने टैबलेट दी थी मुजफ्फरनगर दंगों की, सीबीआई के जियाउल हक डिप्टी एसपी थे, मार दिए गए थे, जगेंद्र सिंह पत्रकार था, जला दिया गया था लखीमपुर में, गायत्री प्रजापति जो दोष सिद्ध हो गया है बलात्कार का, उनको हटाया अखिलेश यादव ने, 3 दिन बाद फिर से उनको मंत्री बनाया, ये इनके टैबलेट है। और हमारे देखिए, खुशीनगर में एयरपोर्ट उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, जेवर में भी हम लोग शिलान्यास करेंगे, हमने दिखाया एक्सप्रेसवे पूर्वांचल का बना, उज्ज्वला गैस योजना में 1,47,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया, ये टैबलेट है हमारी, स्वच्छ भारत में 2,61,00,000 टॉयलेट बने, मनरेगा में 40,00,00,000 मानव दिवस का काम दिया हमने, आयुष्मान योजना 1,20,00,000। हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, आप अपने कामकाज गिना रहे हैं, वो अपने कामकाज गिना रहे हैं भाटी साहब, और वो कह रहे हैं कि उनकी टैबलेट क्या है और आपकी टैबलेट मुजफ्फरनगर का दंगा है, बता रहे हैं वो। देखिए, आपने सवाल पूछा लैपटॉप और टैबलेट पर, वो सवाल जवाब देने लगे शौचालय पर, यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, इनका घोषणा पत्र लेके बैठा, इन्होंने तो पढ़ा नहीं होगा, किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने अपना घोषणा पत्र पढ़ा नहीं बाद में। आपका घोषणा पत्र निकालूं? आपने कहा था मुस्लिम अगर आरोपी होगा तो मुकदमे आतंक के वापस हो जाएंगे, ये लीजिए दिखाऊं जरा। बदतमीजी ने, ठीक है सुनिए, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, राजेश जी से क्लोजिंग कमेंट लेना। क्या है भाई, एडमिशन लेने वाले हर बच्चे को लैपटॉप देंगे, एक भी बच्चे को दिया क्या इन्होंने? ठीक है, जल्दी से भाटी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, आपका मैनिफेस्टो दिखाए, आपने कहा था कि अगर मुस्लिम होगा आरोपी तो आतंक के मुकदमे वापस ले लेंगे, और उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ लगाया, नहीं कर सकते। गौरव भाटिया की हिम्मत नहीं है, मुद्दे पे 2 मिनट बात कर ले कोई बीजेपी का प्रवक्ता, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, इधर उधर। अरे मुद्दे पे जो विकास पूर्वांचल इजाजत देता है, राजेश जी का फोन बीच में कट गया था, एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है राजेश मिश्रा जी, गौरव भाटिया ने आपसे सवाल पूछा था कि 2 सालों से सोनिया गांधी रायबरेली नहीं आई हैं और कोई विकास का काम कई कई बार सांसद होने के बावजूद अमेठी रायबरेली का आप लोगों की ओर से नहीं किया गया, जब इनकी सरकार 2014 की बात बनी तब वहां पर विकास की बयार बही है, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए अपनी राजेश जी। देखिए गौरव भाटिया जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चूंकि इसलिए मैं इस पर गौरव भाटिया जी की बात का जवाब नहीं दे रहा हूं कि ये 3-4 साल पहले तो भी समाजवादी पार्टी में थे, अब भाजपा की तरफ से बोलने लगे।
कल क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता। देखिए सबसे अभी आपने आपने चित्रा सोनिया इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं दूसरी पार्टी में था, आप भाजपा में हो इसलिए सोनिया गांधी रायबरेली नहीं गई। चित्रा जी उनको प्रियंका वाड्रा गांधी इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। वाह, आज तक आपने आपकी जमानत जब्त हो जाती है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी गौरव भाटिया आपने कभी मैंने लड़ा मैं ठीक है तो मैमे में जो अहम मुद्दे होते हैं वो गौड़ हो जाते हैं, सवालों का सही जवाब मिल नहीं पाता, इसीलिए आप लोग बचा कीजिए, जब एक बोल रहा हो तब दूसरा कम से कम बोलने की उस समय कोशिश नहीं करें ताकि दर्शकों तक आवाज समझ में आ पाए। लेकिन इन सब के बीच पूर्वांचल को लेकर खासतौर से जो लड़ाई छिड़ी हुई है, देखिए बार बार आज तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए पूर्वांचल की तस्वीर आपके सामने रख रहा है। चूंकि 164 विधानसभा की सीटें यहां से आती हैं, इसी वजह से पार्टियों का पूरा जोर इसी पूर्वांचल पर है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के जो दावे हैं, पूर्वांचल की जनता इन दोनों में से किसके दावे पर भरोसा करती है, इसके लिए तो हमें चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन यूपी चुनाव की हर एक खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। दंगल में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब वापस लौटेंगे तो आगे जनता की राय, आज इसी मुद्दे पर जो सवाल हमने पूछा था उस पर क्या मिला है दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। तो आज दंगल में हमने आपको दिखाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कैसे अखिलेश यादव ने आज अपनी रथ दौड़ाई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी चित्रकूट में रही महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की उनकी ओर से लगातार कोशिश और कवायद जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत की है मेरी सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने, सुनिए। मौजूद है प्रियंका मैम, आपने आज यहाँ यात्रा करी है, क्या संदेश देने की कोशिश करी आपने? मेरा महिलाओं के लिए यही संदेश है कि पूरी तरह से राजनीति में भागीदार बने, अपनी शक्ति को पहचाने, महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी हों, अपनी आवाज़ उठाएं, और जो समाज में और जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ उसके खिलाफ अपने आप खड़े रहें। 5 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा मौन रथ किया आपने मैम, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैम, बुंदेलखंड आइए, क्या क्या संदेश है यूपी के? संदेश यह कि बदलाव लाइए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को, गलत है, उसको बदलने की बात जी। पूर्वांचल में जो कह रहे हैं पूर्वांचल, उनका योगी कह रहे हैं उनका है मैम, क्या बोलेंगी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर क्या बोलेंगी मैम? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो राजनीति चल रही है इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें, हम संदेश लाए हैं कि बदलाव होना चाहिए, कि लोगों को अपनी जरूरतों के लिए और अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना है, खुद लड़ना है, ये मेरा संदेश है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, स्मृति ईरानी ने बोला है लड़का हूँ पर निकल नहीं सकता, एक कटाक्ष किया राहुल गांधी पर, इस पर क्या जवाब देंगे? महिला होते हुए अगर महिलाओं के बारे में इस तरह से टिप्पणी करें तो गलत है। महिला है, उनको महिला का प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ लड़कियां को अपने लिए लड़ना चाहिए। ये थी हमारे साथ प्रियंका गांधी, इन्होंने साफ स्मृति ईरानी पर यहाँ से अटैक किया है कि महिला होकर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, सोचने वाली बात है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन आज जो मुद्दा लेकर हम बैठे हुए थे दंगल में चर्चा करने के लिए, हमने सवाल पूछा था अखिलेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो दावा है क्या वो सही है और उससे वोट मिलेंगे। 28% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 72% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। लेकिन चुनाव में 3 महीने का वक्त बाकी है, वक्त गुजरने दीजिए, देखना होगा दिलचस्प कि आगे किस पार्टी को मिलता है जनता का समर्थन। इसी के साथ दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें शाम 7:30 बजे बुलेट रिपोर्टर में आज करेंगे वाराणसी बुनकरों के मन की बात, क्या उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी की हैं सरकार ने, क्या कहता है उनका दिल, जरूर देखेगा शाम 7:30 बजे बुलेट रिपोर्टर में आज तक पर मेरे साथ, देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं। आज तक बेमिसाल 20 साल।